रहना सहना बदल गया और खाना पीना बदल गया तो इंसान के अंदर कमजोरी आ गई। और जब इंसान के अंदर कमजोरी आती है तो पैर दर्द करते, पैर चक्कर आते हैं इंसान को, गुस्सा बढ़ जाता है इंसान के अंदर कमजोरी आते ही। किसी से भी बात करके देख लो कि भाई हाँ तू ठीक ठाक है, न्यू नहीं कहेगा कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, कहेगा ठीक ठाक तो हूँ मैं। इतना बदलाव हो गया इस दुनिया में, खाने पीने का असर शरीर के ऊपर जाता है। बर्गर खा खा के फूले हुए तो मिलेंगे लेकिन ताकत नहीं मिलेगी शरीर के अंदर, थोड़ी सी रेस लगा लो होका चल जाता है इंसान का। आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से एक एक शब्द कवि ने मोती की तरह पिरोया है, क्या बताया। यो चढ़ा हुआ से ये तो पारा दुनिया सारी का, ज्ञानी अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का। कोरोना क्या करेगा,
अरे दूध घी के खाने के साथ मैं जानदारों की बोतल पी जाती हूँ, वहां कोरोना क्या करेगा। यहाँ के तो आदमी ऐसे कोरोना को खुद भगा दे, कोरोना नजदीक भी नहीं आ सकता। देखियो इसका क्या करेगा कोरोना, कुछ नहीं कर सकता, दौरे भी नहीं आ सकता कोरोना। बताया कलाकार की कोई भी लाइन अच्छी लगे रागनी की या कोई भी रागनी अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजा दिया करो। आप सभी की तालियां कलाकार को ऐसे लगती है जैसे जाप्पे वाली औरत को घी और गूंद लगता है, तो पैसे मत दो लेकिन तालियां जरूर बजाई करो। अब दूसरी कली में यह बताया कि एक बुढ़ा आदमी हो और बुढ़े आदमी में बुढ़ापे में अगर बुढ़े आदमी को खांसी हो जाए तो बहुत भारी दिक्कत हो जाती है। वो खांसे का कम आंख ज्यादा बाहर निकलेगी उस बुढ़े आदमी की, बुढ़ापे में खांसी दुख दे जाती है। अगर गांव के बीच में कोई मंदिर हो तो उस मंदिर पे बुढ़ा पुजारी रखना चाहिए ना कि जवान पुजारी। अगर गांव के बीच के मंदिर पर जवान पुजारी रखोगे तो वो पूजा कम करेगा, छोरियों को ज्यादा देखेगा कि यहाँ कौन से मोहल्ले में किसकी छोरी सुथरी है। तो बुढ़ा पुजारी रखना चाहिए मनोज कारना जी मंदिर पे। जी, हाँ जी, आसाराम जी भी बुढ़े थे तो वो पुजारी नहीं था, समझो। अरे वो पुजारी नहीं था, वो तो वो ही था बस। वो पुजारी नहीं था, वो तो बड़ा था, बड़ा खा था वो तो। और वो भी उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी हम जैसी ने बिगाड़ दिया। जब तुम को बीबी चंद्रो ए बीबी बिमला चल चल रहे आसाराम का टेंट लग रहा, वहां चलेंगे बाबा जी की बबूती खाएंगे, चाट की बबूसी बबूती। बेचारे बाबा जी को जेल में घेर दिया, खवा दे ढासे की रोटी। वो भी औरतों की कमी थी। आइए किस तरह से दूसरी गली में और क्या क्या दुख दे जाता है। घर में चटोरी औरत दुख दे जाती है। और ये भी कहा, अच्छा एक बार वो बुढ़े हाथ खड़े करो जिनकी बुढ़िया इस दुनिया में नहीं रही। हंसने की बात नहीं है, थारा ब्याह करवाऊंगी आज। देखो मंच के ऊपर भी पीछे हाथ खड़े करे, बहू तो सबे चाहिए, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान। हाथ खड़े करता दादा आपकी बुढ़िया नहीं रही, ऊपर कर लो, ब्याह करवा रही हूँ, शर्म थोड़ी है इसमें भाई, ब्याह की सबे जरूरत होती है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जिस आदमी की बुढ़िया इस दुनिया में नहीं रही और वो बुढ़ापे में ब्याह करने की सोच रहा हो तो
तो दादाओ थारे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, बिल्कुल भी आ मत करियो, बिल्कुल मत करियो। पूछो क्यों? क्योंकि कोई थारे मेल की बुढ़िया तो मिलने से रही, जवान लड़की से ही ब्याह करना पड़ेगा, और जवान लड़की से ब्याह करोगे तो मर जाओगे, क्योंकि बुढ़े आदमी के लिए जवान लड़की जहर की प्याली के बराबर होती है। घूट भरोगे तो मरोगे, बिना ब्याह के कम से कम 10-20 साल जी जाओगे, और ब्याह करते ही 2 साल में ही ऊपर पहुंच जाओगे। तो बिल्कुल ब्याह मत करना बुढ़ापे में। और क्या क्या दुख दे जाता है क्या बताया? दे जा।